BJP leader Jagdish Mukhi, speaking to NNI, said that with most of the candidates declared for the Saffron team, he was confident that most of those announced were going to be the winners. He made a special mention of Haryana that the Narendra Modi wave was strong in the state. देखिए हरियाणा के अंदर मोदीमय वातावरण बना हुआ है हर सीट के ऊपर हर कस्बे के अंदर हर शहर के अंदर हर गांव के अंदर स्वाभाविक है हमारी काडर बेस्ड पार्टी होने के नाते से अनेक कार्यकर्ता हमारे कॉम्पिटेंट हैं हर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कॉम्पिटेंट हैं ऐसे रोहतक से भी बहुत लोग कॉम्पिटेंट हैं निर्णय तो किसी एक के हक में लिया जाएगा सबकी इच्छा होती है मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ ये छोटी मोटी घटना है किंतु मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया है वहाँ से उसके हक के अंदर पूरा का पूरा संगठन खड़ा होगा ये आपको कल नजर आ जाएगा। जगदीश मुखी से नरेंद्र मोदी कंटेस्टिंग फ्रॉम यूपी वॉज गोइंग टू बी अ मेजर बूस्ट। देखिए इसके पीछे मंशा यही रही है कि उत्तरी भारत का ये एक हर्ट समझ लीजिए सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे पूरी उत्तरी भारत के अंदर हमें पार्टी को बहुत बड़ा लाभ पहुँचेगा और विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर बहुत बड़ा लाभ पहुँचेगा और यदि वो वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं गुजरात से गुजरात में वैसे ही वो सीट जीत हम जीत जाएंगे जिसको भी टिकट देंगे वो भी जीतेंगे इसलिए ये सोचा है कि उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ होंगी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ होंगी तो कुछ कंपैरेटिवली समय भी नॉर्थ में कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाएगा और सीट्स भी यहाँ पर ज़्यादा हैं कुल मिलाकर के ये सोच रही है उनके व्यक्तित्व का जो उनका आज एक चेहरा मोरा बना हुआ है देश के लिए उसका पूरा लाभ पार्टी को मिले इस निमित्त यहाँ से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। Jagdish Mukhi also said the CEC had taken a decision on his contest in the seat. हम वरुण गांधी सब जगह प्रचार जहाँ जहाँ कर सकते जाने के जरूर निश्चित रूप से जाएंगे और ये जो आपने बात की है ना जहाँ वरुण गांधी वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ से वो लड़ते हैं ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ तो पार्टी ने तय की है उन्होंने तो तय नहीं किया कहाँ से चुनाव लड़ना है हमारी पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया उनका नाम को। Jagdish Mukhi called Arvind Kejriwal a factory of lies. जिस दिन केजरीवाल साहब अहमदाबाद में थे मैं वहाँ था एक झूठ होता है एक सफ़ेद झूठ होता है उससे बड़ा झूठ वो बोलते हैं वो तो एक झूठ की खान है मैं ये कहना चाहूँगा ठीक है वो ये समझते हैं कि एक जो मैं बोलता हूँ वो सही है एक कहावत है ना खाता ना वही जो केजरीवाल के वो सही वो वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं अरे एक आप कहते हैं मैं वहाँ इंफॉर्मेशन लेने गया था कह कि तुम्हें रोड शो कर रहे हो रोड शो पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या वहाँ पर मैं वहीं पर था रोड शो ठीक है अपना काफिला लेके चल रहे हैं और वहाँ पर ये इनको रोका गया कोई अरेस्ट नहीं किया गया रोका गया कि भाई आज इलेक्शन कमीशन की से कोड लागू हो चुका है मॉर्निंग से आप ये काफिला लेके चल रहे हैं क्या आपके पास परमिशन है रोक करके छोड़ दिया बता दिए ठीक है इतना ही था इस पर उन्होंने जाकर यहाँ से मैसेज दिए उनको अरेस्ट कर लिया गया सब पहुँचो हनुमान रोड यहाँ पर जो हंगामा किया इसी दफ्तर पर हमारे अशोक रोड वो आपकी जानकारी में है उनका ये कहना कि वहाँ पर वो कैसे पता लगे उनको यानी वो अराजकता जो होती है उसकी इंतहा है इस व्यक्ति के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से उन्होंने संविधान की अवहेलना की है विधान को दत्ता दिया है और परिपाटियां तोड़ी हैं नियम तोड़े हैं छोड़कर भाग गए क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको परिपाटी का पालन करना पड़ेगा नियमों का पालन करना पड़ेगा विधान का पालन करना पड़ेगा संविधान का पालन करना पड़ेगा वो करने की स्थिति में नहीं हो अराजकता होती है इसलिए सरकार छोड़कर के फिर गलियों पर आए। दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट यू बाय NNIS।